कर दिया बच्ची, कर दिया ले एकदम मुंबई स्टाइल में 1100 किलोमीटर 1068 समथिंग 70 किलोमीटर 500 और करते तो आयन बट हो जाता भाई। ये बना रहे हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। कल के इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया कि भाई ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। हैप्पी बर्थडे सुबह सुबह उठे सीधा आ जाते हैं कॉफी। हाँ वो भी है, फ्री है यहाँ, लेकिन कुछ नहीं है भाई, अंडा वंडा कुछ नहीं है। क्या तो मंडे मतलब ये तो ये खाना पड़ रहा है, ये पीनट बटर, ये चीज़ नहीं, जैम नहीं, ये दो मस्त हो गए, खट्टा खट्टा और ब्लैक कॉफी। भाई इंडिया जाके मिस करूँगा मैं उसको, वो मशीन लेके चलते हैं मैं, लेकिन एवरीडे राइड करके फट जाती है। आज पता है क्या हुआ, हम लोग रूम से निकले, मेरे को लगा मैं सेकंड फ्लोर में रह रहा हूँ, हमने अपनी बाइक यहाँ पर पार्क की, सोचा था कि विंडो खोलेंगे और सीधा सामान डालेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना जाली दे दी है फॉर सेफ्टी रीजन ऑब्वियसली, तो कोई भाग ना जाए, पैसे बिना भरे तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा। बाजू में एक डोर भी था, मुझे लगा वो बैक एंट्री रहेगी, लेकिन वो किसी का रूम है, मतलब कुछ कुछ रूम यहाँ खोलते हैं और कुछ कुछ रूम बाहर खोलते हैं, बट वही नहीं, एक अच्छी बात यह कि यहाँ पर बाइक इसलिए पार्क की सामान लोड कर देंगे और एटलीस्ट वी कैन सी बाय द टाइम वी आर गेटिंग रेडी और फ्रेश फ्रेश हो रहे, वी कैन सी कि हमारा लगेज जो है वो सेफ है। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, उस पर बहुत मेहनत लगी है, उसको 3 घंटे के ऊपर लगा एडिट करने के लिए, और उसके वजह से मुझे ठीक से नींद भी नहीं मिली, इतना थक गया था कि मुझे मेरी बॉडी नींद डीप स्लीप पे नहीं जा रही थी, सोचो। एंड सच बोलूं, मेरा पूरा इंटेंशन था यहाँ पर एक और दिन रुकने का, लेकिन इट डजंट मेक सेंस सिर्फ आराम करने के लिए रुको, वैसे भी आज अगर मैंने लंबी राइड कर ली तो मुझे एक दिन का पूरा आराम जो है वो मिलेगा ही। अभी तो कैमरा शाय है, वो छुप जाता है कैमरे के पीछे पता नहीं क्यों, इसका जो गाड़ी का जो टायर फटा है, प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, ऋषभ एक टायर लेके चल रहा था ब्रांड न्यू, क्योंकि उसका पीछे का टायर में कील था, सोचा कि ऑन द वे चेंज कर दूंगा, बट नसीब देखो आगे का टायर फटा एंड ही हैज अ ब्रांड न्यू टायर। भाई और मैं आगे बढ़ेंगे बिकॉज हम लोग गाड़ी की स्पीड से नहीं चल सकते, हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज चलाता है, हम लोग को थोड़ा रूल का पालन करना पड़ता है बिकॉज हमारी इंडियन मोटरसाइकिल है, एंड जिसे हम ब्रेक लेंगे प्रॉब्ली ही विल कैच अप, बिकॉज आज हम लोग को लंबा जाना है, मतलब आज हम लोग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, चला न्यूयॉर्क से जब से चले डेस्टिनेशन दिमाग में रखते हैं और वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते, तो आज डिसाइड किया आज कोई नो इफ नो बट ओनली विल थिंक कि जहाँ जाना है वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तुमको लगा राइम होगा ना, नहीं हुआ, एकदम बेसिक होटल में रहते हैं, यहाँ पर बेसिक होटल का बेसिक रिक्वायरमेंट अपने का ब्रेकफास्ट भी मिलता है, साथ ही यार लॉन्ड्री भी मिलता है, हम लोग को लॉन्ड्री के लिए पैसा देना पड़ता है, मान लो कि आपका $5 to $7 में पूरा लॉन्ड्री जो हो जाएगा, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कम में भी हो जाएगा, और ये हीटेड इंडोर पूल मिलता है, और ये वाले में तो देखो स्लाइड भी है बच्चे लोगों के लिए, बट हम लोग गए वहाँ पर जकूजी भी है, स्टीम सोना भी रहता है, तो ये अगर आप मोटेल्स में जाओगे तो लोग पूल रहेगा, पर लोग पूल साफ करते कि नहीं, ब्रेकफास्ट मिलेगा तो कुछ रहेगा नहीं, कॉफ़ी थोड़ा टाइम मिलती नहीं है, तो ये सब डिफरेंस रहता है, बट पैसे का डिफरेंस बहुत होता है। ये वाला होटल $200 a नाइट है, वो जो मोटेल्स होते हैं वो होता है 140 a नाइट। हम लोग का मेन रीज़न होता है सेफ पार्किंग, हम लोग को बोला है कि मोटेल्स के बाहर भी सेफ पार्किंग रहती है, एंड ऐसा ही होगा कि रूम रहेगा और बाहर हमारी पार्किंग रहेगी। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेड, सोना, मोटेल्स में बेड थोड़े छोटे रहते हैं, पतले रहते हैं, और कभी कभी दूर से रूम से आवाज़ भी आती है, और इसके लिए हमने थोड़ा पैसा देख के कंफर्टेबल रूम चुना, क्योंकि अगर नींद नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और पूरा टाइम थका हुआ दिखेंगे। वीडियो लास्ट वीडियो एडिट कर रहा था, जो मेरा कैमरा गिरने का पार्ट देखा, लिटरली मैं ऐसा 10 मिनट के लिए मैं ऐसा पुशबैक हो गया कि मुझे यकीन नहीं आया कि कुछ सब कैमरे बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो पत्थर पर गिरा है, अगर आप वापस जाके वीडियो देखोगे उसके बाजू में कितना मोटा पत्थर था, और कैमरा ऐसे गिरा है, राइट ऐसे गिरा है कैमरा, तो वो उसका जो निकला हुआ होता है वो जो पेट्रूडिंग रहता है बेसिकली वो सनलाइट को डॉच करने के लिए रहता है, उस पर गिरा और वो टूटा है, कैमरा यहाँ पर था और जब वो गिरा तो कैमरा पूरा ऐसे गिरा ठपाक, और वो लगा है और वो बाउंस हुआ है, वो कैसे बच गया भाई क्या मालूम, अभी जाके सोनी को बोलना पड़ेगा कैन यू फिक्स दैट, अगर वो फिक्स कर पाए तो बढ़िया है, नहीं कर पाए तो कोई नहीं, अपना कैमरा तो अच्छे से चल ही रहा है, क्योंकि भाई इसको बहुत रफ एंड टफ यूज़ किया है मैंने, बट मानना पड़ेगा भाई, लाइक दिस इज़ एन अल्टीमेट टेस्ट ऑफ सोनी कैमराज, सोनी कुड हैव स्पॉन्सर्ड मी दिस होल थिंग कि कैमरा गिरा, सी हाउ रफ एंड टफ द कैमरा इज, वो टूट गया लेकिन कैमरा चल रहा है, ऑटो फोकस चल रहा है, सबसे पहले ऑटो फोकस जाता है, बट कुछ नहीं हुआ, आई होप कुछ ना हो, सो फार सो गुड। बाइक लोड हो गई है, हैप्पी भाई जरा वॉशरूम गए हैं, एंड हम लोग निकल जाएंगे, ऋषभ अपने कपड़े भूल गया था तो हैप्पी भाई ने पीछे इधर बांध दिए, अपने टायर चेंज करने के लिए तो चले जा, खुल गया है सब कुछ, और हम लोग आज एम सिंपल है, पैसे से सियाटल डाला है, जहाँ तक चला पाए वहाँ तक चला पाएंगे, अगर सियाटल पहुँच गए तो बल्ले बल्ले, बिकॉज वहाँ पर एक डे ऑफ है, रेस्ट है हमारा। क्विक अपडेट,
अभी बज रहे हैं, इधर दिखाता हूँ, अभी बज रहे हैं 9:35 इन द मॉर्निंग। हम लोग हमेशा 8 बजे निकलेंगे बोल के 9:30 हो ही जाता है कैसे ना कैसे करके, ऑफिस से टाइम जोन के पीछे जा रहे हैं। पेट्रोल नहीं है बाइक पे, 145 दिखा रहा जरूर है, बट वो जैसे हाईवे पे जाएंगे गिर जाएगा, बिकॉज ये हमने हमारी स्लो स्पीड का जो है वो लिमिट है। तो पहले पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद डिसाइड किया है कि फर्स्ट ब्रेक जो है आराम से लेंगे, बिकॉज हमने बहुत आराम किया है ना, तो रुक जाते हैं ना, तो जो पानी गिर रहा है, मेरी बाइक से भी गिर रहा था, वो एग्जॉस्ट में जम जाता है, तो वो जब चालू करते तो वाइब्रेशन से गिरता है। ठीक है, जब यहाँ रुके थे बेमोंट अच्छा होटल लगा मेरे को। अभी एग्जिट कहाँ से करने का, तो ये पता नहीं 50-60 साल पुराने वो आरवीज रहते नहीं, वो अच्छे लोकेशन में ठहरे थे, यहाँ होटल ही होटल है, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट सब है, सब बाजू में था वॉकिंग, बट कल बहुत थक गए थे तो आराम ही कर रहे थे, कुछ नहीं किया। और बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, मुझे मैंने सुना था बहुत हाईवेज की ट्रक की आवाज़ आती है, कुछ आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस में सोए थे। और अभी देखो ये 4:55 पे सीधा अपने को टर्न लेना है, जो भी लेना है। बट फ्यूल पंप थोड़ा ये एग्जॉन नया वाला है कुछ, और कुछ रेट वेट भी लिखा नहीं, लिखा है उधर भाई, उधर लिखा है वो ऐसी जगह पर रुकने का है, डीजल रो ही ना। अरे देखो हर जगह, अच्छा इसके हर इसमें डीजल है, कोई नहीं यहाँ रुकता हूँ मैं, इधर वाइन वाइन सब मिलती है वहाँ। तो देखो ऋषभ आ भी गया, मैंने बोला ना बहुत फास्ट है ये, बहुत लेट हो गया भाई निकलते निकलते, देखो 10 बज रहे हैं ना। ये यू टर्न अलाउड नहीं है, तो अपन वहाँ जाएंगे, वहाँ से घूमेंगे, सेम अपना इंडियन देसी जुगाड़, इधर जाने का और यहाँ से यू मारने का और यहाँ से स्टॉप साइन बोल के निकल जाने का। लॉन ही थोड़ा है, ये देखो कितना माइल है, आज बहुत करना है भाई, इतना हो नहीं पाएगा बट ट्राई करेंगे। फिंगर्स क्रॉस टुडे नो रेन, फोकस चेक किया, आएगी तो भी थोड़ी थोड़ी आएगी, वैसे अभी तो हम यूज्ड हो गए, हम लोग पूरा प्रिपेयर हो गए निकले, आई तो आई, पर एक ही है बारिश है थोड़ी स्पीड स्लो हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना हाई स्पीड मेंटेन करके, कल तो वही क्लच ब्रेक ऊपर नीचे, कल का एडवेंचर अलग था बट आज अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लग रहा था आज ये अच्छा लग रहा है। बात मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टेट लाइक मोंटाना की, यहाँ पर 80 माइल्स मतलब 130+ किलोमीटर का जो है स्पीड लिमिट है, और आप 10 माइल एक्स्ट्रा चला सकते हो, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं 142 पे क्रूज डाल के छोड़ सकता हूँ, फिलहाल 135 पे सेट किया, बिकॉज अभी थोड़ा पतला रोड है ना, जैसे जैसे सब खत्म होगा ना तो 145 सेट कर दे, 140 सेट कर देने का एंड आराम से बैठ जाने का। और ये फिर से बहुत ज़्यादा काले काले बादल हो गए, ऐसे तो उम्मीद थी ड्रिजलिंग की, बट देखते हैं कितना होता है। ड्रिजलिंग हो रही है थोड़ी, बट तेज लग रही है बिकॉज हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं, आगे गाड़ी जा रही है पॉश मकान में, ऑलमोस्ट ऑडी की जगह वो लेने लगा था, बट मकान थोड़ी एक्सपेंसिव थी और स्पेस के मामले में ऑडी क्यू7 से छोटी थी, तो हम ग्लैड मैंने लिया नहीं, बट मुझे अभी बहुत अच्छी लगती है। अरे बाप रे, ये देखो कितनी साइकिल डाल के लेके जा रहा है, और आगे देखो ये जो बस जा रही है लग्जरी मोटर हो, हम जो भी क्लास जो भी बोलते हैं ABC मुझे नहीं पता, ये मैं चौथा या पांचवा देख रहा हूँ ये रास्ते पे इन स्पैन ऑफ 10 माइल्स, ये इतनी बड़ी बस और पीछे जीप को लाद के लेके जा रही है, टो करके लेके जा रही है, मतलब सही है, लोग दूर दूर जाते हैं ये हाईवे पे, बिकॉज ये हाईवे इजी है ना करने के लिए, मतलब कोई भी हाईवे मुझे लगता है यूएस में ईजी ही रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, इससे उसकी जीप है इधर, सोचो ना यहाँ ब्रेक मारेगा वहाँ ब्रेक लगेगा, यहाँ लोग इतने सारे माउंटेन एरिया क्रॉस कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, और मैं अभी आई जस्ट रियलाइज कि एक भी टर्नल नहीं मिला हम लोगों को, अगर यही हम इंडिया में रहते तो कितने सारे टर्नल आते हैं ना, पूरा माउंटेन काट के निकालते हैं ये लोग, माउंटेन काट के आई एम श्योर रहेगा US में बहुत सारे टर्नल्स रहेंगे, लेकिन ये देखो ना ये अभी राइट मार के वहाँ से जा रहे हैं, टपाक होल मार के सीधा दूर निकाल तेरे को बाइक चलानी है, इधर के कंप्लेंट करने के हम लोग के बारे में नहीं आई, बहुत अच्छी कंट्री है, मज़ा आ रही है रोड ट्रिप करने के लिए, पर रोड ट्रिप करने के लिए तो ये बेस्ट कंट्री है, बेस्ट अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेके जा रहा है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, केंटकी की गाड़ी है इसकी, 2-3 बाइसाइकिल लगते हैं, बच्चे भी रहेंगे इसके अंदर, कार वॉशर सब है, ये घर बहुत अच्छा है, मुझे एक तो देखना है अंदर से यार, ये मज़ेदार लाइफ जी रहा है ये फैमिली। बारिश तो चली गई लेकिन ठंडा हो गया, तो हैप्पी बाइक को अपना जैकेट पहनना है, मैं बोल रहा था डिस्काउंट मिल रहा था क्लाइम ले लो, लेकिन नहीं, इनको फैशन करना है राइडिंग करते टाइम, लाल पीला हरा नीला सब पहनना है, अंदर देखो दूसरा कलर है बाहर दूसरा कलर है, लूडो खेलना है इनको सिर्फ बहुत लोग स्टिकर वाले आदमी रहते हैं, मैं आई एम नॉट इनटू स्टिकर्स, अगर स्टिकर रहेगा तो मैं अपनी बाइक पे या गाड़ी पे लगाना पसंद करूंगा, वो लोग ऐसा रुकते तो लगा देते हैं, तो जो डेढ़ आवर से अलास्का में जहाँ मुझे जाना था, जहाँ मैं नहीं जा रहा ऑब्वियसली, पहले से प्लान नहीं बना उधर का, वहाँ तो इतने वो रियल ट्रैवलर स्पॉट है भाई, वो तो भाई एकदम एडवेंचर ट्रैवलर, ऐसा नहीं कि लीजर, वो जगह तो भाई डेड और सर्च करो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये जो इतने बड़े बड़े पाइप लगे हैं लगता है सारा हवा इधर ही आ रही है, बस जल्दी चलो। और ये देखो ये कितना बरसों पुरानी मोटर हूँ, लोग चलाते हैं भाई, मतलब वो दिखा दूर एक शहर,
वहाँ बादल खत्म हो जाएंगे। बहुत ढूंढ रहा था यहाँ पर रुक के एक शॉर्ट लू, बट कोई स्पॉट नहीं है, वही पीछे वाला स्पॉट था, आगे नहीं है। डाहो फॉल्स, मतलब यहाँ से यू टर्न मार के जब आरबी पार्क है वहाँ पर कुछ फॉल वॉल रहेगा, कुछ वाटरफॉल वाटरफॉल ड्राइव रहेगा। ये जो टाउन है ये वाला, उधर देखो आराम से नो सर्विस, तो ये बेसिकली यहाँ से वहाँ जाएगा बंदा, उसका टाउन का नाम राम से यहाँ पर भूत बहुत होते हैं। ये वाले कट में है फेयरमोंट हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग बहुत है। ये राइट में आप लोग बोलते रहे निखिल सब तो सेम दिखता है, हरे घास, सफ़ेद रोड, नीला आसमान विद बादल, अब है तो है, मैं बता रहा हूँ। और बस देखते देखते बारिश चली गई, धूप निकल आई, देखो 21 वेदर भी हो गया, फ्रॉम 11 12 डिग्री 21 सीधा जंप मारा। और एक छोटा सा रेस्ट ब्रेक लिया रेस्ट एरिया में, रेस्ट एरिया में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता, मतलब नथिंग। मैं बोला फूड कोर्ट में रोक लेते आगे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भी डाल लेते, आधा टैंक हो गया वैसे भी। रास्ता एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो प्रॉब्लम, नथिंग, वेदर इज परफेक्ट। 2021 में घूम रहा है इर्द गिर्द, थोड़ा इधर की तरफ झुका हुआ है बिकॉज मैंने ये वाला बैग ऊपर डाल दिया है, यही बैग की वजह से मेरी बाइक जो गिरी थी वो एक्चुअली थोड़ा बाहर आ गया था, इसके से पुश हो गया था और मैं दबाने के बाद बाइक उधर गिर गई थी, थोड़ा अभी ऐसा है, बट कोई नहीं, इसको अपन बाद में आराम से इधर डाल देंगे, वो क्या कुछ ना कुछ निकालना रहता ना इसीलिए। अभी शानिस से बात हो रही थी, शानिस काई के एकदम नोटी नोटी वाले वीडियो भेज रही थी, क्या खेलती है, बाप रे बाप क्या उछल कूद करती है, मिसिंग आउट ऑन दैट, बट ठीक है कोई नहीं, जाऊंगा तो मुझे थोड़ी बड़ी वाली स्काई दिखेगी। नो एक्चुअली स्टॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर पेट्रोल भी हो जाए और थोड़ा बहुत नाश्ता भी हो जाए, बिकॉज आज नाश्ता ज़्यादा कुछ हैवी करके निकले नहीं है, और अभी क्या लंबा जाना है तो थोड़ा खाने को मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली अच्छा स्पॉट हो जाता बिकॉज यहाँ बहुत कुछ था, बट हैप्पी भाई आगे वो निकल कर वो गाना सुन रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, अब ब्रिटिश और अभी ऐसा शहर आते ही रहेगा। क्या हुआ भाई, अचानक से बारिश कहाँ से गिरने लगी, बस धूप निकल रही थी, मज़ा आ रही थी, एक छोटा सा पैच लग रहा है मेरे को, आए वो छोटा सा पैच है बिकॉज आगे मुझे दूर दूर तक ऐसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, काले काले पदल, बट चलो कोई नहीं, अच्छा थोड़ा गर्म हो गया था, बस ठंडा ठंडा हो जाएगा। प्लेन का मस्त टेक ऑफ हुआ अभी, मतलब इसके माउंटेन के पीछे था वो मोटे में दिखा नहीं पाया, बट ये इसका जो लैंडिंग स्ट्रिप है ना वो प्लेन ऐसे ऐसे होके मतलब ऐसा कर्व होके लैंड होता है, वो मस्त सीन था। अब ये कब से बोर्ड आ रहा है एक्सीडेंट अहेड एक्सीडेंट अहेड, मतलब ऐसा लगा के रखा है ज़मीन पे। यार ये लोग कितना प्रिकॉशन लेते हैं यार, ऑफकोर्स ये हाईवे है ऐसा ऐसा इतना तेज़ चलाते हैं, अरे बाप रे, अरे बाप, नहीं नहीं क्या हुआ, अरे बाप रे आरवी घुस गई उधर, अरे बाप उसने आरवी घुसा डाली, आरवी रहती है ना सो के रहेगा चलते चलाते, तो उतार दी उधर, बड़ा बस उतार दिया उसने। अभी सोचो उसके अंदर उसकी मुझे ना उससे ज़्यादा उसका फैमिली जो अंदर रहता है ना वो पूरा घर है, और जब से मैं मोहित की आरवी के अंदर गया हूँ ना मेरे को समझता है वो एक घर है। कितने सारे पेड़ों काटा है, कितने सारे, बस यही सेक्शन में काटा है, अब से आए ही जा रहे हैं, प्रॉब्ली या तो रोड एक्सटेंड कर रहे रहेंगे या तो फिर ऐसी वो लकड़ी खड़ी के लिए यूज़ होते हैं ना। एक दिक्कत हो गई है कि हमारा रेंज देखो 73 है और मुझे जो नेक्स्ट फ्यूल पम्प दिखा रहा है वो काफ़ी दूर दिखा रहा है, और मेरे हैप्पी बाइक के बाइक में पेट्रोल कम है, देखो 73 इज़ अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स, बट कभी कभी यहाँ पर नहीं आता कुछ भी 100 किलोमीटर तक, तो छोटे से टाउन घुसे हैं, थैंक गॉड, मुझे तो लगा मिलेगा ही नहीं यार। जो यार हमारा सारा 30-30 लीटर का टैंक है, हमारा ऐसा हाल होता है तो अगर किसी को करना रहेगा 15 या 20 लीटर का या KTM का 12 लीटर का टैंक से, उसको तो जो पेट्रोल पंप है उसमें भराना पड़ेगा, बिकॉज कैसा है ना यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी भी ड्रॉप होती है। हाँ ये बोल सकते हो ये हैवी बाइक अगर ड्यूक होती, बट ड्यूक होती तो भी आप खींचते 130-140 रखते तो उसमें फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होती है, ड्यूक में अब 150 मतलब एवरी 150 किलोमीटर का स्टॉप लेना पड़ता, बट कोई नहीं भाई ये चीज़ भी नहीं है हमारे लिए, सबक सीख गया। तो यहाँ मैं सोचा कि कुछ कॉफ़ी भी लेता हूँ, हैप्पी भाई ने सही बोला क्योंकि भूख लगी है तो आगे कहीं रोक मिला, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि आज हैप्पी भाई भी जोश में है, मैं भी जोश में हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि खींचेंगे लेकिन 5-6 बजे हम लोग है ना कॉल लेंगे कि क्या हमारा स्टेटस है, और हमको लगेगा कि खींच सकते हैं तो सियाटल तक आज ही खींच डालेंगे, वैसे भी वहाँ टाइम जोन चेंज होगा तो 1 घंटा कम हो जाएगा, लेकिन अगर लगा कि नहीं भाई नहीं होगा, वैसे भी 3 घंटे की राइड बची रहेगी 6 बजे, तो हम लोग होटल लेके विश्राम कर लेंगे। और माउंटेंस के बीच में जाते हुए और पीछे वार्निंग दी, बहुत सारे कर्व्स आएंगे तो ट्रक्स के लिए स्पेशल वार्निंग रहती है कि संभल के जाओ बहुत सारे कर्व्स आने वाले हैं। ये इतने जो झाड़ रहते हैं ना यहाँ पर ये, तो इसलिए जो आग लगती है ना तो ये फॉरेस्ट फायर जो बोलते हैं ना वाइल्ड फायर है, बहुत खतरनाक तरीके से फैलती है, देखो ना झाड़ देखो कैसे इधर। कोई भी स्पोर्ट्स बाइक ओनर के लिए ये ड्रीम रास्ता है, फुल ऐसे कर्व वर्व सब है, बट ऑफकोर्स रिस्की है, हम लोग ऑल्दो ये बाइक पर अच्छे से कर्व ले सकते हैं लेकिन बाइक लोडेड है
ज़्यादा अगर चुकाएंगे ना तो फिर वो ज़्यादा ही झुक जाएगी। एंड वी आर एंटरिंग अ न्यू स्टेट इडाहो, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इडाहो में आपका स्वागत है, वेलकम टू इडाहो और आइडाहो, आई डोंट नो। हम लोग चल रहे हैं, आई डोंट नो, मैं तो अंडरस्टैंड नो, ये पूरा एक ब्रिज है, मतलब नीचे सिटी है और पूरा रास्ता, मतलब पूरा माउंटेन के बाद कम से कम बोलो तो 5-10 माइल पूरा अपन ब्रिज से चल रहे थे। कैसे क्या लगती है अभी हैप्पी बाइक है बाजू से, एक नंबर लगती है, मतलब ज़बरदस्त ज़्यादा पानी उड़ा के जाती है ना जो चुम्बेश। अरे बारिश बढ़ गई यार, जब ड्रिजलिंग थी ज़्यादा ब्लॉक चालू किया तेज़ बारिश आ गई। अरे भाई मानता हूँ जी ऐसे अच्छी लगती है बारिश में भगवान, और ब्लॉक कर रहा हूँ और आपको चाहिए कि मेरा कंटेंट बने अच्छे से। इतनी ज़बरदस्त बारिश कर दी भाई, ये जो विंडशील्ड है ना ये मुझे लिटरली ये बारिश से बचाती है, मतलब एट अ सर्टेन लेवल ऑफ कोर्स। सुबह जब निकले थे तो डेस्टिनेशन सियाटल 675 माइल्स था, अभी 323 बचा है, तो हमने आधे से ज़्यादा कर दिया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जस्ट टू एक्चुअली 340 है बिकॉज टाइम जोन फिर से चेंज हुआ है, तो नॉट बैड यार। हम लोग काफ़ी आज लेट निकले हैं, एकदम ब्राइट एंड सनी हो गया, 29 डिग्री सेल्सियस। नए स्टेट में एंटर कर लिए हैं, वॉशिंगटन स्टेट, अभी कुछ ही देर में इसमें वेलकम करके आएगा। सामने साला वेलकम का बोर्ड नहीं देखा मैंने, पीछे एक बोर्ड देखा था यू आर एंटरिंग वॉशिंगटन करके। गर्मी बढ़ रही थी तो उसकी वजह से रुकना पड़ा, रुकने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन गर्मी बहुत हो गई थी भाई, गर्मी बहुत हो गई थी, रुकने का जरूरत नहीं भाई। क्या ज़बरदस्त खींच रहे थे, मज़ा आ गई भाई, मज़ा आ गई। लेकिन भाई का थोड़ा आज भाई ने जरा ठंडी समझ के टाइट पहन लिया। अरे भाई निकल जोश में, बोलो ना क्या बोला, अपन कोशिश करेंगे, और मैं बार बार कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ, चला जब जब प्लान करते हैं बोलते हैं तो नहीं पहुंच पाते, इसके लिए सिर्फ कोशिश करेंगे। 600 किलोमीटर हो भी गए यार, 610 मैंने 10 किलोमीटर के बाद रिसेट किया था। ऊपर साइकिल लेके जा रहे हैं, छोटा सा क्यूट सा ब्रिज, आई थिंक ऐसा सेम ब्रिज मैंने गुड़गांव में भी देखा है। देखो मेरे राइट में अमेजोन का ऑफिस है, देखो अमेजोन नाउ हायरिंग लिखा था। जब मैं इंदौर से वापस मुंबई की तरफ आता हूँ ना, और जब महाराष्ट्र इंदौर के बीच में रहता हूँ, महाराष्ट्र एमपी के बीच में रहता हूँ, ये रास्ते मुझे वैसे ही लग रहे हैं, बस इतना ही फर्क है कि ये रास्ता उधर रहता है, वो रास्ता इधर रहता है, सेम ऐसे ऐसे ही झाड़ पत्ते कलर भी यही रहते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना है, गाइस आई एम इन मध्य प्रदेश एंटरिंग महाराष्ट्र, आई एम नॉट रॉन्ग। वो बारिश है, बारिश कैन यू सी, और बारिश के बादल, वो बारिश गिर रही दिख रहा है अभी तो, और क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे उधर, यहाँ से क्या बादल हुआ कहाँ पर गया, चलिए यहाँ हल्की हल्की बारिश हुई थी, अभी निट आ गया बिकॉज अभी फ्यूल नहीं है। फिर से आज तो फुल भाई दिल्ली मुंबई वाली राइड हो रही है, फुल ऑन दिल्ली मुंबई वाली राइड, भरा जाए। अरे बहुत महंगा है यार, बहुत ही महंगा है, तो सॉलिड खींचा भाई, सॉलिड 100 का रेंज आ गया था, $29 है, बहुत महंगा है इधर पेट्रोल, देखो $5.29 फॉर अ गैलन, सबसे एक्सपेंसिव पेट्रोल भरा $34 का। यस भाई रिसीप्ट दे तू मेरे को, इतना महंगा दिया साला। यहाँ बहुत गर्म हो गया, और मुझे लग रहा था हैप्पी बॉय मस्त कूल है, एकदम मस्त टी शर्ट पहनी है, फिर उन्होंने बताया उन्होंने अंदर 3 लेयर पहनी है, सॉरी 4 लेयर पहना है। जस्ट 140 माइल्स लेफ्ट हो गया ना भाई, कुछ छोड़ा तो नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, कैमरा तो इधर ही, मुझे फिर से कुछ गिराना विराना नहीं है। GoPro की बैटरी 5% है, सियाटल का मेरा होटल 140 माइल्स है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा दिखाऊंगा, वरना सीधा मिलते हैं होटल में। वाओ सो नाइस, सो गुड, सुपर मैन, सुपर। अगर 36 डिग्रीज नहीं होता ना तो यहाँ का रुक के ना मैं एक शॉट लेता, नो वंडर यहाँ पर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये देखो कितने सारे विंड मिल्स, बट व्यू अच्छा है। गाइस हम लोग आ गए, अरे कहाँ से जाना है भाई, 7:32 PM आ गए हम लोग सियाटल, अभी कहाँ रुकना है वो देखना, एकदम फ्रंट में रुकते हैं। कर दिया बच्ची, कर दिया ला एकदम मुंबई स्टाइल में, 1100 किलोमीटर 1068 समथिंग 70 किलोमीटर 500 और करते तो आयन बट हो जाता भाई, भाई ऑलमोस्ट हो गया भाई, अपन कब से चला रहे, कर लिया आयन बट है ना, कर लिया ना, मिलके नहीं अपन एवरी डे चला रहे, और कल तो जो चला है उसके बाद आज 1100। सो एक्चुअली अभी आज इसलिए हो पाया बिकॉज टाइम जोन फिर से पीछे गया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि 7:30 तक होटल पहुँच के आराम करना चाहिए, वरना क्या अगर हर दिन खींचेंगे ना फिर वो होता नहीं, शेड्यूल ख़राब होता है। लेकिन फिर भगवान ने बोला टाइम जोन पीछे करता हूँ मैं, 1 घंटा पीछे हो गया और अपन पहुँच गया, अभी इसका मतलब ये कि अपन सियाटल में एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं। मजा आ गया, लोग को मिल लो यहाँ पे, बहुत लोग के पता नहीं है कि नहीं है क्या, अरे बहुत है भाई, मैं एक फोटो लो ना हमारी, भाई क्या क्या हंगामे हुए, मैं क्या बोलूँ, बीच में मेरे पीछे पुलिस थी और मतलब फॉलो नहीं कर रही थी मुझे, आई वॉज जस्ट गोइंग लिल फास्ट, और पुलिस 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 जब आती तो हटना पड़ता है राइट, पुलिस आ रही है मैं इंडिकेटर देके उसके आ गया,
ओवरटेक किया फिर राइट गया, पुलिस गई, मैं लग गए भाई, रोकेगी मेरे को लगा था कि नंबर लगा, कुछ ना कुछ कांड किया हम लोग ने, 140 150 जो रोड टेक्निकली स्पीड लिमिट था, अगर मैं किलोमीटर में बोलूँ तो स्पीड लिमिट था अराउंड 120 और जब मैंने इंडिकेटर दिया मैंने 140 में ओवरटेक करके आ गया, लेकिन उन लोगों को लगा रहेगा इतना कॉन्फिडेंस है बंदे में तो रूल तो नहीं तोड़ रहा, बिकॉज मैं ओवरटेक करके वापस लो गया, लेकिन मेरी फटके में लग गए, रोकेगा रोकेगा बट चले गया, रोका ही नहीं आगे पुलिस। और भाई वो देखा क्या, वो क्या बोलते हैं मोटर बड़ी वाली बस वाली क्रैश हो गई, हाँ हाँ राइट में वो लगता है सो गया रहेगा, पूरा मोटर होम ही डाल दिया, पूरा घर क्या तहस नहीं, सोच के मुझे बुरा लगा। अभी तक आपने 5000 किलोमीटर का एक एक्सीडेंट देखा अभी तक खाली? हाँ वो है, वो है एक ही एक्सीडेंट देखा। एंड एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगा भाई, एज ए राइडर ट्रैवलर भी पकड़ लो एंड प्लीज़, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, मैं बस ये बताने के लिए कि कैसा फील होता है ताकि आपको समझ में आए। हम लोग जब इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो 500,000 के बाद नाक में कितना कचरा आ जाता है राइडिंग में, जबकि विद बलकलावा। अभी तो मैं नोटिस किया, मैंने अपना आई एम नॉट डिगिंग माई नोज, रियलाइज नाक में कचरा ही नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ओपन वेरी फ्रैंक। कपड़े भी गंदे नहीं हो रहे यार, चार दिन से नहीं नहाए बीच में। नहीं जस्ट जोकिंग, पानी बचा रहा हूँ यार, एवरीडे नहा रहे भाई, पानी बहुत है। दिखाओ लेयर, दिखाओ एक, ये दो, ये तीन और नीचे चार, 38 डिग्रीज हो गया था बीच में। पता है ये सीरीज में मैंने एक बार भी ढंग से वीडियो, देखो भाई वीडियो देना मेरा सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी था, लेकिन एंड नहीं हो पा रहा था बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा एंड कहाँ करूँ, तो मैंने आज बहुत कमेंट्स देखे निकले, मैं वीडियो ठीक से एंड किया नहीं, शुक्रिया अलविदा मिस करे, ठीक है भाई। तो मैं अपना ये वीडियो जो एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एंड ऑल द सीरीज एंड लविंग द सीरीज सो मच। और जो लोग बार बार कमेंट करते हैं ना, हाँ इसके लिए देख रहे हो, उसके लिए देख रहे हो, भाई उसके लिए देख रहे हो, तो सॉरी भाई, मैं वही इंसान हूँ जो वहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, जो ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो माई लाइफ, दिस इज ऑल्सो माई लाइफ, टुडे इज दिस लाइफ, टुमारो इट विल बी सम अदर लाइफ, प्रॉबेबली आगे जाके मैं भी मोटर रूम चलाऊँ मोहित जैसा, यू नेवर नो। फिर मत बोला मजा नहीं आ रहा है मोटर रूम में, अरे भाई मेरी लाइफ है, आप विटनेस कर रहे हो तो विटनेस करो, एंजॉय करो, मुझे मत बोलो कैसा करना है। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, इफ यू एंजॉयड दिस ब्लॉग व्हाट्स द रीजन, डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन एंड सब्सक्राइब विद अस ऑलवेज। शुक्राना अलविदा, मालूम है कि नहीं, मालूम है कि नहीं, इतना बोल एक बार, 3, 2, 1 गो, शुक्रान अलविदा मासलमा, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट, लवली फ्रेंड्स। फेलियर स्टूडेंट हो यार क्या, इतना मैं पहला सीरीज में पहला एंड कर रहा हूँ, खराब कर दिया, देखो यार अगले वीडियो में अच्छे से रिहर्स कर गया।